भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। है कि इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। कि इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स, 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाई जाए। वो 2036 के लिए बिड कर रहे हैं मोदी साहब, तो मोदी साहब जो चाह जाते हैं वो हो जाते हैं। कहीं मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है, कहीं उनके दिमाग में ये तो नहीं चला कि 2036 तक प्राइम मिनिस्टर भी हम ही रहेंगे, मतलब ओलंपिक करवा के। आप भाई मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, और जिस हिसाब से उनकी फिटनेस है 29 तक तो वो है ही है। अब 29 से अगला 5 ईयर्स जो है वो 76 के हो जाएंगे, उनका भरोसा नहीं, वो 10 साल भी टिक सकते हैं। वो बड़ा फिट आदमी है और वो मेंटली भी उतरे फिट है। He's mentally very young, he's physically very young. तो इंडिया स्पोर्ट्स में जिस स्पोर्ट्स को अपने हाथ में लेगा वो एक कैश काउ बन जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो 2036 के लिए उसको बिड कर रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव इनफ पोटेंशियल। और चूंकि मोदी जी बिड कर रहे हैं तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि वो ले भी लेंगे। चाहे उनके पास पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस कदर वसाइल है कि वो विद इन 6 मंथ एक ओलंपिक विलेज या ओलंपिक सिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। वेलकम बैक टू प्रा न्यूज। इन अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज इंटेंशन टू बिड फॉर द 2036 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स। दिस एक्साइटिंग न्यूज वॉज रिवील्ड ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC सेशन इन मुंबई। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड द डीप रूटेड डिजायर ऑफ इंडिया टू होस्ट द ओलंपिक्स, रेफरिंग टू इट एज एन एज ओल्ड ड्रीम फॉर द नेशन। He highlighted the profound passion for sports among Indians, emphasizing that hosting the 2036 Olympics is a dream cherished by India's 1.4 billion citizens. Modi further added, "We want to realize this dream with your support, and I am confident that India will receive unwavering support from the IOC." While Prime Minister Modi did not specify a particular city or region for the potential host, Ahmedabad emerges as a strong contender. Ahmedabad is home to the world's largest stadium with a staggering capacity of 132,000 spectators, fittingly named after the Indian Prime Minister. This exciting prospect has undoubtedly garnered significant attention, both nationally and internationally. While India looks forward to this monumental journey, it's interesting to observe the reactions and sentiments of our neighbors. Stay tuned to explore how Pakistan's media is responding to this remarkable development. Dosto, नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं हुकूमत में, लेकिन अगर आप उनकी ट्रेजेक्ट्री चेक करें तो वो हर कुछ अरसे बाद एक नया स्टैंडर्ड या एक नया गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी वो मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है और उसमें आई थिंक इंडिया ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन मुंबई में हुआ है, इनॉग्रल सेशन। वो कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें और हम ये कर सकते हैं। इंडिया जो है बिकॉज वो ऑल सेट है, उन्होंने अपने क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रही है ग्रीन एनर्जी के हवाले से, वो खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो ऑब्वियसली दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ, वो ना स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, हम अगले 20 साल में ये करेंगे, अगले 15 साल में ये करेंगे, अगले 25 साल में ये करेंगे। तो दैट गिव्स देम बेसिकली प्रॉपर एक एडवांटेज मिलता है ओवर सो मेनी अदर कंट्रीज एंड ओवर द डेवलप्ड वर्ल्ड पर्टिकुलरली, अगर आप ये भी कह लें। सो ये आई फोरसी दिस एज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बाय द लीडरशिप। वो 2036 के लिए बिड कर रहे हैं मोदी साहब,
तो मोदी साहब जो चाह जाते हैं वो हो जाते हैं। कहीं मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है, कहीं उनके दिमाग में ये तो नहीं चला कि 2036 तक प्राइम मिनिस्टर भी हम ही रहेंगे, मतलब ओलंपिक करवा के। आप भाई मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, और जिस हिसाब से उनकी फिटनेस है 29 तक तो वो है ही है। अब 29 से अगला 5 ईयर्स जो है वो 76 के हो जाएंगे, उनका भरोसा नहीं, वो 10 साल भी टिक सकते हैं। वो बड़ा फिट आदमी है, वो मेंटली भी उतने फिट है। ही इज मेंटली वेरी यंग, ही इज फिजिकली वेरी यंग, तो है तो भारत के लिए तो खैर ये खुश खबर अच्छी चीज होगी कि मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर रहते हैं तो। लेकिन जहां तक ये बात है कि 2036 तक अगर आप ओलंपिक करा लिए, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि यू विल बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड स्टेट, कि आपके पास इतना पैसा साधन और वो है कि आप अकेले ओलंपिक जैसा गेम करा लें जिसमें दुनिया भर के कंटेस्टेंट आके पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स नॉट अ जोक, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ कैपिटल, लॉट ऑफ मैन पावर, लॉट ऑफ टेक्निकल नो हाउ, और उसको अरेंज कराना इट्स अ लॉजिस्टिकल चैलेंज। तो अगर वो इफ मोदी जी इज बिडिंग फॉर इट, इसका मतलब है कि वो श्योर है कि उनके पास वो कैपेसिटी है, या इंडिया उस समय तक वो कैपेसिटी डेवलप कर पाएगा। हमने जो है एशियन गेम्स तो करवाई थे, कॉमनवेल्थ भी गेम करवा ही चुके हैं, तो ओनली ओलंपिक हैज बीन नॉट ऑर्गेनाइज बाई इंडिया। और अगर करवाते हैं वो तो ओलंपिक कमेटी ही अंत में डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया बिट करता है तो ओलंपिक कमेटी के पास कोई रीजन नहीं होता कि वाई शुड नॉट दे एक्सपेंड इट टू इंडिया, एक्सटेंड इट टू इंडिया। एक तो गेम पॉपुलराइज होंगी, इंडिया एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग पावर हो रखा है, पैसा बहुत है यहाँ पे। आपको जैसे पता है कि ICC जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसको इफेक्टिवली इंडिया ही रन करता है, तो इंडिया स्पोर्ट्स में जिस स्पोर्ट्स को अपने हाथ में लेगा वो एक कैश काउ बन जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो 2036 के लिए उसको बिड कर रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव इनफ पोटेंशियल, और चूंकि मोदी जी बिड कर रहे हैं तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि वो ले भी लेंगे। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में, वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। मोदी की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी भी है, है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को, ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। और आपने 2036 बहुत आगे बता दिया, आई थिंक सो 2030 बहुत आगे है, 2028 मे बी इसमें ही वो अगली आने वाली गेम्स को होस्ट कर सके। इंडिया ने एक सीलिंग जो है, एक सीलिंग होती है जो ऊपर, वो तोड़ दी और वो इंटरनेशनल लीग के बड़े बड़े मुल्कों में शामिल हो गया मुख्तलिफ हवालों से। इकोनॉमी के हवाले से देख लें, जो इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट इन पॉलिटिक्स है उसमें देख लें, कल्चर के हवाले से देख लें, अब इंडियन मूवीज जो हैं वो नेटफ्लिक्स पे एक पॉपुलर फॉरन मूवीज के तौर पे, हर चीज को हर तरीके से देख लें, उन्होंने फिर एक जो है वो जंप लगाया, जिसमें ये जो आपने फरमाया है क्रिकेट है नेक्स्ट ईयर या ओलंपिक है 36 में या 2 में। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं ख्वाब देखना जिनके कुछ ग्राउंड्स भी होते हैं, जिनके जो आपके ख्वाबों को शेख चिल्ली के ख्वाबों से अलग करते हैं, कि आप ख्वाब तो जरूर देखते हैं लेकिन आप अपने पीछे भी देख लेते हैं कि भाई मैं इस काबिल भी हूं कि ये ख्वाब देख सकूं या ना देख सकूं। अब इंडिया जो ख्वाब देख रहा है उसमें शेख चिल्ली वाला आंसर निकल गया है, अब उसमें प्रैग्मेटिक किस्म की एक अप्रोच है, उनके पास पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस कदर वसाइल हैं कि वो विद इन 6 मंथ एक ओलंपिक विलेज या ओलंपिक सिटी जो है वो डिवेलप कर सकते हैं। कतर को देखें, उसने सक्सेसफुली एक ओलंपिक के इक्वल एक इवेंट जो है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया, तो जाहिर है उसके मुकाबले में इंडिया में हजारों गुना ज्यादा जो है वो पोटेंशियल मौजूद है।